क्योंकि इस फिल्म में एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को विलनाइज, डिमोनाइज किया गया है। भारत का जो आइडिया है एक सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक देश का, किस तरह से भाजपा आरएसएस इस आइडिया को डिस्ट्रप्ट करने की कोशिश करता है, ये मूवी आते ही हम देखते हैं। हमारे क्लासरूम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके अराउंड एक बातचीत शुरू होती है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं, बहुत लोग, जैसे बहुत राज्यों में इसको बैन किया गया, तो क्या उसके बैन के पीछे भी कुछ कारण होगा, उनकी एक समझदारी होगी। नमस्कार, मैं अतुल होवाले और आप देख रहे हैं द वायर। आज एक नए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मुद्दा वही है कि पिछले हफ्ते जो द केरला स्टोरी ये मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके बाद उस मूवी का कई जगह विरोध हो रहा है और कई जगह उसका समर्थन हो रहा है। जो बीजेपी के शासित राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। वही दूसरी तरफ हम देखें तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया है। इस मूवी का जब टीज़र आया था 2022 में नवंबर में, तो उसमें दावा किया था कि 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करके उनको हिंदू से मुस्लिम बना के एक कथित तौर पर लव जिहाद का जो एंगल है वो उसमें दिखाया था। लेकिन उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, तब जो निर्माता है उन्होंने बताया कि 32 नहीं है बल्कि 3 महिलाओं की एक कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आज हम इस मूवी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ होंगे दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स, यूथ, जो इस मूवी जो है केरला स्टोरी उस पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, उनकी क्या राय है, उनके क्या ओपिनियन है, क्या ये मूवी दिखाना सही है या गलत है। और अभी हालिया में जो एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी के नाम पे, जो बेसिकली इस एजेंडे के साथ बनाई गई थी कि सोसाइटी में कैसे जो है डिवीज़न जो फैल रहा था वो और कैसे धारदार तरीके से फैले, कैसे जो है लोग एक दूसरे से नफरत करना सीख पाएँ, ये इसका एक एजेंडा है। और बीजेपी आरएसएस पे लंबे समय से काम कर रही है। आप पूरे देश में देखिए तो पूरे देश में इसी तरीके से जो है पोलराइजेशन और वोट के लिए, अभी आप अभी कल ही जो है कर्नाटका में चुनाव हुए हैं और उसी के जस्ट पहले ये रिलीज़ किया गया ताकि एक उन्माद बढ़े, एक जो है एक नफरत लोगों के बीच में फैले। और मुझे जो लगता है कि जिन लोगों से मैं बातचीत में किया हूँ, जो लोग जो है इस पे बहुत कट्टरता से इसका जो इसको जो है इस सिनेमा को डिफेंड कर रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं जो केरला के बारे में वहाँ के जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी नहीं बता सकते हैं। ऐसे लोग उस जो है उसका उसको डिफेंड कर रहे हैं, बोले नहीं वहाँ पर इतना हो रहा है, वहाँ पर जो है लोग गायब किए जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। अभी हालिया में ही एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने एक जो है रिपोर्ट छापी थी कि 40,000 गर्ल्स जो है गुजरात से गायब हुई हैं, वहाँ से जो है गई हैं। तो पुलिस ने भी बोला कि 2016 से उनका अपना कुछ फैक्ट चेक किए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए, पोलराइज किया जाए लोगों को, और उसके ज़रिए आप जो है कैसे बीजेपी गवर्नमेंट खुद को बचाए रखे, इसकी एक जो है कोशिश चल रही है। और ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। अगर जो है लोग सोच रहे हैं कि ये देश हित में काम करने जा रही है गवर्नमेंट और देश हित में काम कर रही है, तो वो देश जोड़ने का नहीं बल्कि देश तोड़ने का काम कर रही है ऐसी मूवी दिखा के। कश्मीर फाइल्स आया जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाया, उसके बाद सुदीप्तो सेन का ये केरला स्टोरी आता है, और लगातार किस तरह से भारत में, भारत का जो आइडिया है एक सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक देश का, किस तरह से भाजपा आरएसएस इस आइडिया को डिस्ट्रप्ट करने की कोशिश करता है, ये मूवी आते ही हम देखते हैं। हमारे क्लासरूम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके अराउंड एक बातचीत शुरू होती है। और ये मूवी आने के बाद एक बहुत कंट्रास्टिंग चीज़ ये है कि यूपी में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, बंगाल में इस मूवी को बंद कर दिया जाता है। तो जो एक सरकार का भी नेचर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ पे आरएसएस है इसका प्रमोशन किस लेवल पे हो रहा है। और ये बहुत एक लार्ज स्केल में भारत में हेट प्रोपोगेट करने में बहुत सफल होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं, बहुत लोग, जैसे बहुत राज्यों में इसको बैन किया गया, तो क्या उसके बैन के पीछे भी कुछ कारण होगा, उनकी एक समझदारी होगी। तो सारे चीज़ों को हम लोग को बहुत बारीकी से समझना होगा। और इस मूवी को, इसके जो भी वेनमस
इसके वो भी हैं, एजेंडा है, उसको पकड़ करके चिन्हित करके उसे बस्ट करना होगा हमें इन्हीं लोगों के बीच में, ताकि झूठ को और प्रचार और प्रसार न किया जा सके। पहले उन्होंने कहा कि 32,000 महिलाओं की ये कहानी है, फिर बाद में उन्होंने खुद ही उसको बदला और कहा कि ये 3 महिलाओं की कहानी है। बट ये बात तो हमें समझ आ रही है कि ये बात इसकी नहीं है कि केरला में क्या हुआ क्या है, केरला से ज़्यादा ये पूरे देश भर को एक मैसेज देने की कहानी है कि जो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को जिस भी रूप से आप डेमोनाइज कर सकते हैं उस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फिल्म भी हमें लग रहा है कि उसी दिशा में एक और कदम है कि एक स्टेट जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार उस स्टेट में है उसको किस तरीके से वहाँ पे जो एक मुस्लिम पॉपुलेशन भी है उसको जिस तरीके से विलेनाइज करने की कोशिश है, जो हम अपने नेताओं की चुनावी रैलीज़ में भी देख रहे हैं, जो हम उनके प्रचार प्रसार में भी देख रहे हैं, हम उनके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अब वो हमें एक फ़िल्म के ज़रिए दिखने को मिल रहा है। और ये फ़िल्म पर अलग अलग रिएक्शंस भी हमें दिख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में इस फिल्म को बंद किया गया है और कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री किया गया है, और जिन स्टेट्स में टैक्स फ्री हुई है वो सब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। हमें तो ये भी देखने मिल रहा है कि प्रधानमंत्री कर्नाटका में रैलीज़ में जाके बोल रहे हैं कि लोगों को ये फ़िल्म देखें, क्योंकि इस फिल्म में एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को विलेनाइज डिमोनाइज किया गया है। और इसके रिव्यूज़ में हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों जब लोग इस फिल्म को देख के निकल रहे हैं तो ये सीधा कह रहे हैं कि मुसलमानों से डर लगने लगा हमको। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है बीजेपी के खुद नेता मानते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उनके नेता खुद बोलते हैं सारी बातें, तो आप समझिए सारे पॉलिटिकल टर्म्स भी हैं। और हम जिस दौर में रह रहे हैं तो आदमी को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल करना हो, आप लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज डिक्शनरी बदलेंगे, आप एक चरित्र को बनाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी चरित्र को बिगाड़ने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, वो दिन दुनिया में डेली हम लोग देख रहे हैं। संदेश है और ये एक धमकी है कि अगर तुम ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, हमारा जो फ्रेमवर्क है जो कास्ट का स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहता है, हमारा जो फ्रेमवर्क है जो एंटी वुमेन है, जो एंटी मुस्लिम है, इसके अगेंस्ट अगर जाओगे, किसी दलित से प्यार करोगे, मुसलमान से प्यार करोगे, अपने आप को असर्ट करोगे, तो तुम्हारा यही हश्र होगा कि जो आम आए दिन 2014 के बाद से जो लिंचिंग्स हो रहे हैं, जो जिस तरह से बिल्किस बानो का नाम हम सब जानते हैं कि किस तरह से एक महिला, क्योंकि वो मुसलमान थी, उसको जस्टिस देने के बाद छीन लिया जाता है, उसके जो रेपिस्ट थे उसको बाइज़त बरी रिहा किया जाता है, और उसको किस तरह से उनको हार पहनाया जाता है, माला पहनाया जाता है, और मतलब उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम जिस समय पे रह रहे हैं, जो ब्रिजभूषण है, जिस तरह के अनुराग ठाकुर है, परवेश वर्मा है, इन लोगों को हम क्यों नहीं पाते हैं जेल के सलाखों के पीछे, क्यों उमर खालिद, क्यों इस तरह के लोग शर्जील इमाम आज जेल के पीछे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।